आज अयोध्या की पावन धरती पे भगवान श्री राम की जन्म भूमि सप्त सागर इस कुंड के बीच में, और मैं दीदी को साधुवाद दूंगा कि अर्चना दीदी ने ऐसा समय हमको प्रदान किया कि इस आप लोग के बीच में आने का अवसर दिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों को हमको दर्शन मिल रहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष मतलब पलक झपकते मात्र अगर अयोध्या में वास होता है तो हम लोग धन हो जाएंगे, क्योंकि ये धरा ऐसी है, मिट्टी ऐसा है, यहाँ पर रहने वाले ऐसे महान विभूति, महान संत, ऐसे ऐसे साधु संतों को, संतों का आपको दर्शन मिलेगा कि सारे पाप, सारे कष्ट, सारे रोग खत्म हो जाएंगे उनके स्पर्श मात्र से, उनके दर्शन मात्र से। ऐसे महापुरुष जो लगातार राजसत्ता, लगातार अयोध्या की जो संतों की सत्ता रही है, जो खाली बस आश्रम आओ दंडवत 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 करो, इस सब चीज से दूर हटके लगातार रातों दिन एक करके हिंदू जनमानस पूरे देश में, पूरे विश्व में किस प्रकार सुरक्षित हो, किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा हो, बिना किसी चीज की परवाह किए बिना, समाज का भी बिना परवाह किए बिना, विवाद से बोली बोलते हैं, लगातार लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे परम तपस्वी तपसी छावनी, जहां एक आचार गद्दी हम लोगों की है, जहां पर सिर्फ साधु संतों की जामवारा ही रहता था और लगातार भजन और तपस्या ही करते थे, ऐसे जगह सिद्ध पीठ के महाराज श्री महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य जी महाराज का स्नेह आप लोगों ने लिया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अभी आप लोगों ने लगातार, जिनको हम लोग कभी नाम नहीं लेते उनको दादा बोलते हैं, लगातार दादा भेष में, तो इस बीच में हम लोगों ने दबाव डाला तो कभी काले भगवा पहनने लग गए, नहीं तो दादा सिंपल साधारण, बिना कोई राग कोई द्वेष, बिना किसी प्रकार का, कहीं पे बुला लो चाय दुकान में, दादा कहाँ है, हाँ भैया बताओ दादा दर्शन चाय की दुकान पे, हर एक जगह कभी भी इनके मन में किसी भी प्रकार की लालसा, किसी प्रकार की इच्छा, इन्होंने बाबर के वंशों को, जिसने वहां पर हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान की मूर्ति को हटाकर ऊपर का स्ट्रक्चर तैयार किया था, ऐसे भी हड्डी की जो है वो काया था उसको खत्म करने का काम किया और गोली खाई, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि कभी इस बीच में लगातार हम लोगों की लगातार मंच पे डिबेट होते रहता है, लेकिन जो चीज गलत है उसी संगठन में काम कर रहे हैं, उसी पार्टी में काम कर रहे हैं, अगर वो चीज गलत है तो गलत है, तुरंत बोलेंगे कि नहीं मैं इस चीज का विरोध करता हूं, ये चीज नहीं होना चाहिए। ऐसे राजसत्ता से हटकर धर्म सत्ता के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं हमारे बड़े भाई देवतुल कार्यकर्ता है हिंदू जनमानस के, कोई मामूली साधन कार्यकर्ता नहीं है, ये चाहते तो मेरे जैसे लालच कर सकते थे किसी पार्टी किसी संगठन में, हम लोग को थोड़ा बहुत लालची भी हो जाते हैं, धर्म राजसत्ता की तरफ मुड़ भी जाते हैं, लेकिन कभी चिंता नहीं किया, परवाह नहीं किया, झगड़ जाते थे, डांटते हैं मंच पे डिबेट में कि गलत बात है राजूदास जी आप साधु हो आप ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसे महापुरुष हमारे बड़े भाई, मैं इनको दादा ही कहता हूँ, नाम कभी लेता नहीं हूँ, माननीय अध्यक्ष जी के नामाराशि इनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे क्रांतिकारी, अभी महाराज जी ने कहा, संतोष भैया ने कहा कि इनकी बात को आप अक्षरशः अगर उतार लेंगे तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं, ऐसे माननीय अध्यक्ष जी भैया ने कहा कि आप देख सकते हैं कि पूरे देश में पूरे विश्व में कहीं पर किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना होता है उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, मुसलमान, कैसे मुसलमान हैं, पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, यहाँ के जो बेहूदे मुसलमान हैं वो क्या बोलते हैं, अरे भैया मुझको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, इसके नाते लोग आतंकवादी बन रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिली क्या, वहां तो हिंदू नहीं है, वहां तो अदर जात के लोग नहीं है, वहां क्यों लोग आतंकवादी बन रहे हैं, उनका डीप प्लानिंग है, कुछ नहीं। आप देख सकते हो कि पास की कुछ वर्ष पूर्व की घटना है,
मैं उस समय में बीएसपी में काम कर रहा था, उधर से आदेश हुआ कि जाना है ये टांडा, वहां राम बाबू गुप्ता की हत्या हो गई, टांडा जाना था। जब उसके घर के जस्ट सामने में जाएंगे तो विशाल काय मस्जिद है, आप ऐसे करके देखेंगे, ऐसे सीधे नहीं देख सकते हैं। उसके सामने में घर है, थोड़े से हिंदू हैं, वो लगातार बीएसपी में हिंदू युवा वाहिनी में सभी मतलब धार्मिक, क्योंकि संगठन तो तमाम बना के लोग एकत्रित कर सकते हैं ना, एक संगठन में कोई समाहित नहीं हो सकता। इसके नाते साधुवाद देता हूँ अध्यक्ष जी को कि जिन्होंने इस संगठन का निर्माण किया और आप लोगों को जोड़ने का काम किया, जहाँ कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, जब आप सप्त सागर में हैं और यहाँ आए हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। सभी सभी कार्यकर्ता को साधुवाद, बधाई, शुभकामना। आज इस कार्यालय का उद्घाटन है, आज से शुभारंभ है, और शुभारंभ ऐसे महापुरुषों के द्वारा आपने किया, ऐसे विशिष्ट संतों के द्वारा किया, क्योंकि जब न्यू मजबूत होती है, इस पे सब मंजिला बिल्डिंग खड़ा कर दोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब न्यू है, बिना लोभ बिना लालच, राजसत्ता को दूर करते हुए धर्म सत्ता के लिए सदैव रात में दिन में दोपहर क्या दिक्कत है। इस जगह के आचार पीठ से जुड़े हैं, कई हजार बीघा जमीन है, ये भी नहीं कोई भिकमंगा है कि तुम दो रुपया दो तो जाएंगे, कई हजार बीघा जमीन है, लेकिन महाराज जी ये यहाँ आना है तुरंत पहुंच जाते, सब कुछ संपन्न है, फिर भी जहां कहो हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, ऐसे लोगों को आप लोगों ने चुनाव किया, तो आज जो आपकी न्यू है बहुत ही मजबूत है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप 100 आदमी आए हैं और ऐसे ही आपके संगठन लाखों की स्थिति में पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों के ऐसी भाव है, ऐसी कल्पना है कि चलते रहना, लगे रहना, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। भैया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लोग हैं कुर्सी खींच कर बैठ लेंगे, अब ये चीज की जरूरत है, ये नहीं कि कुर्सी भैया दे दो तुम बैठ जाओ, कुछ नहीं। अभी तक लोग क्या कर रहे थे, इतना हिंदू का अंदर इतना सम्मान है, इतना भाव है कि पड़ोस में एक मुस्लिम है तो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, उसके बहन उसके बेटे इज्जत पूर्वक रहेंगे। लेकिन जहां पर 100 घर मुसलमान है, 10 घर मुसलमान है, 1 घर हिंदू है, वहां पर हमारी कोई बहन कोई बेटी, किसी भी प्रकार के हम धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक कार्यक्रम और हमारी माँ बहन बेटी नहीं बच सकती, क्योंकि उनके अंदर तमाम प्रकार की जिहाद है। मेरे जैसे धर्म के ठेकेदार जिनको भाई किसी भी प्रकार साधु छोटा हो भयंकर हो, बड़े पेट वाले जैसे भैया ने कहा, और भी बड़े पेट वाले हो, तमाम साइड हो, तमाम गनर हो, लेकिन सम्मान हिंदू जनमानस क्या करता है, वो छोटे से बच्चे को भी प्रणाम करता है और बड़े से महात्मा को भी वही सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतना भाव है धर्म के प्रति, इतना समर्पण है धर्म के प्रति कि जिसका कोई कल्पना करना संभव नहीं। हम लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना भाव देते हैं, तो ऐसे हम लोग साधु संत हैं जिनको जिम्मेदारी, भैया ने कहा कि जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली उन्होंने निर्वाहन नहीं किया, मतलब पूरे विश्व में थे हम। आज क्या स्थिति है कि यही पास में टांडा गांव जो है जिला है, वहां पर हिंदू नेता की हत्या हो जाती है, जब हम लोग पहुंचते हैं कि जो है मुसलमान इकट्ठा होकर और ईटा घुम्मा मारते हैं, मुकदमा नहीं दर्ज हो पाती है, उल्टे हमको जेल जाना पड़ता है। यह स्थिति किसने लाया? हमने लाया, क्योंकि मैं ठेकेदार था इस चीज का, हमको जिम्मेदारी मिली थी आप लोगों को डांटने का, समझाने का, एक जगह बैठाने का, लेकिन हम लोगों ने इस चीज को नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाई। अगर आप लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे, अभी भी नहीं समझेंगे, जैसे महाराज जी ने कहा कि हिंदुस्तान विभाजन की ओर बढ़ा है, क्यों विभाजन की ओर बढ़ रहा है, उसका यही तर्क है, यही कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, हम तो सिर्फ एक मकान एक दुकान एक बेटे में परेशान है कि नहीं, एक बेटा से दूसरा बेटा हम पैदा नहीं करेंगे, अगर पैदा करेंगे तो पहले कहीं देख लें एक हिस्सा जमीन, उसके लिए वहां मकान बनाना है, पहले देख लें वहां पर एक दुकान की व्यवस्था हो जाए तो दूसरे बेटे की न्यू रखें, लेकिन उनके अंदर क्या है, कुछ नहीं। 5 शादी करेंगे, 50 बच्चे पैदा करेंगे, दिन भर में एक बेटा 10 रुपया कमा देगा तब भी बहुत हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर तो दूसरा भाव है। लेकिन चलिए ठीक है, तो एक जिस प्रकार की आज आप लोगों ने न्यू की शुरुआत किया है, हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, आपसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अगर कल्पना हम लोगों ने किया, क्या कल्पना किया कि राम जन्मभूमि मंदिर बना के रहेंगे, आज उसी की देन है, हम लोग कोई संभव था क्या? आज से 60 साल पहले
किसी ने सोचा था कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके और भव्य अयोध्या पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर हो पाएगा? नहीं। लेकिन हम लोगों की जो संकल्प था, कल्पना थी हिंदू जनमानस का, आज साकार हुआ। उसी प्रकार दादा ने, महाराज जी ने और अध्यक्ष जी ने जो विचार बनाया, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा और पूरे देश से मुसलमानों की जो मताधिकार, वोट का जो अधिकार है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, उस दिन सारे लालची ये राजसत्ता वाले अपने आप आपके चरणों में गिरेंगे। ऐसी विचार, ऐसी कल्पना लेकर आप लोगों ने जो ये तैयारी किया है वो सराहनीय है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि अयोध्या में और ऐसे जगह से आप लोग